हेलो दोस्तों, थर्ड काउंसलिंग को लेकर बहुत सारा सस्पेंस बना हुआ है। थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और साथ ही माइग्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक कुछ नहीं आता, आपको किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करना है, मेरी भी बात पर भरोसा नहीं करना है, और मैं ऐसी बात बताऊँगा ही नहीं अब से जिस पर आप भरोसा ना करें। हाँ, लास्ट ईयर किस तरह का नोटिफिकेशन आया था, लास्ट ईयर क्या माइग्रेशन के लिए अलाउ किया गया था या फिर नहीं किया गया था, और पिछले साल थर्ड काउंसलिंग का जो फॉर्म था वो ऑनलाइन था, तो अगर वो ऑनलाइन फॉर्म था तो वो किस तरह का फॉर्म था, और साथ ही क्या वो सेंट्रलाइज्ड था या फिर नॉन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन था थर्ड काउंसलिंग वाला। ये सब अगर आपको जानना है तो बस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको दो वीडियोस का लिंक मिलेगा। एक वीडियो में ये बताया गया है कि लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या क्या बताया गया था, और एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें ये बताया गया है कि लास्ट ईयर जो थर्ड काउंसलिंग के फॉर्म थे वो किस तरह से भरे गए थे। और हो सकता है कि इस साल भी थर्ड काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर वैसा ही हो। अब देखना ये होगा कि क्या प्रोसीजर पूरा पिछले साल वाला होता है या नहीं। अगले एक या दो दिन में ये बात कंफर्म हो जाएगी। आप बस चैनल पर बने रहें और थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो आप तक पहुंचती रहेगी।